हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। फिलहाल हो रहा है सुबह को 10:30। आज का जो प्लान है, हम चलेंगे टाइल्स लाने, देखते हैं बालेश्वर चलते हैं, वहाँ पे कितने सारे दुकान से है देखते हैं, और टाइल्स जो लगवाना है हमारा पटिको का जो दीवार है वहाँ पे टाइल्स लगाना है, इसलिए बालेश्वर जाना है। जल्दी जल्दी नहा धो के रेडी हो जाते हैं और बालेश्वर के लिए निकलते हैं। जल्दी नहा धो के रेडी हो चुका हूँ, जल्दी जल्दी निकलते हैं टाइल्स देखने के लिए, देखते हैं किस टाइप का टाइल्स मिलती है। चलिए चलते हैं। फाइनली मैंने मेरा फ्रेंड का टाइल्स शोरूम में पहुंच गया हूं। बस यहां पे बढ़िया बढ़िया कलेक्शन मैंने देख लिया, और मैंने जो चॉइस किया वो सीढ़ी का टाइल्स और जो वॉल का टाइल्स मैंने चॉइस किया, जो फ्रंट वॉल का टाइल्स और वो वाला टाइल्स उनके पास अवेलेबल नहीं है, मतलब स्टॉक नहीं है, ज़्यादा स्टॉक नहीं है, इसलिए उन्होंने बोला कि थोड़ी टाइम वेट करो, तो आ जाने के बाद आपको आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, और अगर चाहिए तो भिजवा दिया जाएगा। फाइनली मैं घर पहुंच चुका हूं, हाथ पैर धोते हैं और लंच करते हैं, देखते हैं लंच में क्या बनी है। कट्टी बापा, ये तो है ही था। कट्टी बापा, आज लंच में बनी है राइस। ये जो आप देख रहे हो, ये कद्दू का फूल की कद्दू का फूल से बना हुआ बड़ा, ये साग, ये मछली करी। चलिए खाते हैं लंच, स्टार्ट करते हैं खाना। बा आवे बस टाइम हो रहा है 5:30। बस अभी थोड़ा मार्केट के लिए निकलना है, क्योंकि मार्केट में थोड़ा काम है। चलिए चलते हैं मार्केट।
फाइनली घर पहुंच चुका हूँ। ये देखिए, ये वाला मैंने लिया है वो मछली को खिलाने के लिए चारा, पशुपति कंपनी का ये वाला चारा मैंने लिया है। ये रहा उड़ीसा का पोड़ो पीठा, ये देखिए कितना सुंदर बनी है। ये है हमारा उड़िया घर का पोड़ा पीठा, ये जगन्नाथ देश में एक बनता है। हमारा उड़ीसा को जगन्नाथ देश बोलते हैं, इसलिए ये जगन्नाथ महाप्रभु का ये फेवरेट है, जगन्नाथ महाप्रभु का पोड़ो पीठा, इसलिए इसका नाम पोड़ो पीठा दिया गया है। ये इसे हम लोग ज़्यादातर लोग उड़िया में उड़ीसा के लोग ही बनाते हैं, बाहर का लोग इतना ज़्यादा इसके बारे में उनको पता नहीं है। बस उड़िया का लोग ज़्यादा ही पोड़ो पीठा बनाते हैं, क्योंकि महाप्रभु जगन्नाथ के पास हर रोज़ जो पोड़ा पीठा लगता है प्रसाद में लगता है, जगन्नाथ महाप्रभु हर रोज़ पोड़ो पीठा खाते हैं। फाइनली रात को और आई 11:35, बस डिनर करते हैं और साथ में एडिटिंग स्टार्ट करते हैं। आज का ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, अगर चैनल पर नए हो प्लीज सब्सक्राइब करके जाना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय।